सो हेलो गाइज, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल अंचलपन ब्लॉग्स। आई होप सब लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो आज 20 मार्च 2023 है और आज अब जाड़े शुरू हो गए। मेरी जैकेट टोपी सब दोबारा निकल गई है। नैनीताल में ज़बरदस्त बारिश सवेरे से हो रही है और अब बिल्कुल ठंडा लौट के वापस आ गया है मार्च का महीना। गर्मियाँ एक महीने बाद जैसे यहाँ पे को शुरू हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे को तो बिल्कुल ही मौसम बदल चुका है। जाड़ों में ठंड इस बार बिल्कुल नहीं हुई, तो अब लौट करके ठंडा वापस। और सवेरे से ओले पड़े हैं ऊपर के ऊंचाई वाले इलाकों में, आयारपाटा चाइना पीक वाले में तो ओले जम भी गए हैं कई जगहों पर। तो हम लोग इस समय डांट पे खड़े हैं, बहुत ठंड है, मुंह से भाप भी निकल रही है, धुआं भी निकल रहा है और ठंड ज़बरदस्त है। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको किस तरह का है मौसम का हाल और क्या हो रहा है बाकी नैनीताल में। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। हल्की हल्की बारिश हो रही है, छाता मैंने हाथ में पकड़ रखी है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर डालिए। फ्रेंड्स, सवेरे के बज रहे हैं 7:30 और इस समय अब जा रहे हैं शॉप के लिए। और आज सवेरे से ही बहुत तेज़ बारिश हो रखी है, देख सकते हैं नैनीताल में। और इस समय घर से निकल चुका हूं मैं और मौसम बिल्कुल घिरा पड़ा हुआ है। सवेरे से ही आज बहुत तेज़ बारिश है और नैनीताल की साइड से दोबारा से फिर मौसम का मूड बन रहा है बारिश का। ये देखिए, कुछ जगहों पर तो ये हल्का हल्का सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना क्लियर नहीं है। कैमल्स बैक में ओले जमे पड़े हैं। तो रात में और सवेरे बहुत तेज़ ओले गिरे थे और बारिश भी बहुत, ठंडा भी बहुत बढ़ गया है इस समय। तो सवेरे का टाइम है और निकल पड़े हैं शॉप के लिए। और स्कूल का टाइम होता है, बच्चे स्कूल को जाने के लिए, बिल्कुल सन्नाटा है मॉर्निंग के टाइम में। और मौसम को देख करके लग रहा है कि आज पूरे दिन भर शायद मौसम का यही मूड रहेगा, आज बारिश का ही डे है। और ये देखिए, नीचे हनुमानगढ़ की साइड से सफ़ेद बिल्कुल उठते हुए बादल दिखाई पड़ रहे हैं बहुत तेज़ यहाँ पे को। सवेरे का टाइम है तो बिल्कुल शांत सन्नाटा जैसा माहौल है और कोई बहुत ज़्यादा रश नहीं दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं नीचे को और दिखाते हैं नीचे मॉल रोड का भी कैसा हाल है, क्योंकि मौसम में तो ठंडक है ही है, मॉल रोड किस तरह की है ये भी दिखाते हैं। तो हम पहुँच गए मॉल रोड में और मॉल रोड में भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, बच्चे स्कूल के लिए ऑटो में जाते हुए। और मॉल रोड में लोग, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं यहाँ पे को, और बाकी लोग अपने अपनी स्कूल्स को या ऑफिसेस के लिए भी निकल पड़े हैं। बारिश से मॉल रोड बिल्कुल साफ़ सुथरी धुली सी लग रही है। ये सवेरे तलिता रिक्शा स्टैंड का सीन है, ये आप देख सकते हो। हल्की गाड़ियाँ चलने लग गई हैं, सब स्कूल के लिए जाने के लिए लोग रिक्शे की लाइन में भी लगे पड़े हैं। बारिश होते ही नैनीताल में मॉल रोड बड़ी साफ़ सुथरी और सुंदर लगने लगती है। आज सवेरे ये का टाइम होता है तो ये इस समय स्कूल जाने के लिए बच्चे गाड़ियों से जाते हैं। और ये देखिए वाटर लॉगिंग, ये आर्मी रेस्ट एंड कूप सेंटर के आगे ये वाटर लॉगिंग हुई पड़ी है। आजकल यहाँ पे काम चल रहा है, इस कारण से ये वाटर लॉगिंग हुई है। तो थोड़ा सा ब्लॉकेज यहाँ पे को दिख रहा है पानी का, तेज़ बारिश के कारण ये यहाँ पे को वाटर लॉगिंग हो ही जाती है अधिकतर। और ये देखिए भाई साहब क्या नज़ारा है, ये नैनीताल है, हर पल यहाँ कुछ ना कुछ शानदार। क्या कोहरा, कितनी स्टाइल से नैनी लेक में, और ये नाव चालक बोट की तैयारी करते हुए सवेरे के टाइम में। शांत पानी का माहौल, उतना ही शांत और उसमें कोहरा की आवत, कितने प्यार से कोहरा आ रहा है, आपको देखते ही मज़ा आएगा। नैनीताल की एक खूबी है, यहाँ पे जो कोहरा लगता है उसका एक अलग ही मज़ा देता है, वो अपना अलग ही तरह का होता है। ये बरसात के टाइम का कोहरा जैसा लगा हुआ है वैसे टाइप का सीन है। ये बस अड्डे के पास हम आ चुके हैं और आप देख सकते हो एकदम से घना कोहरा उठ करके नीचे से आया, जो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था, और मेरे पहुंचने तक उसने शहर को अपने आगोश में ऐसे ले लिया है। मज़ा ही अलग है इस कोहरे का, ये देखो बिल्कुल बरसात का सीन, बहुत ही शानदार, मज़ा आता है ऐसे शॉर्ट्स में। बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, ठंड है ज़बरदस्त वाली पड़ रही है ठंड, और हम तलिताल बाज़ार में अपनी शॉप की ओर को एंटर करने लग गए। आजकल सवेरे स्कूल के कारण बच्चों के जल्दी आना पड़ता है और यहाँ पे आकर के अपना वो रहता है टाइमिंग का। तो सवेरे के अब बज रहे हैं 10:30, घर को वापसी जा रहा हूँ, भाई आ चुका है इस समय शॉप में। बारिश लगातार जारी है, हालाँकि कोहरा हट गया है। आप देख सकते हो एक ही शहर में कुछ ही घंटों के अंतराल में क्या शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं,
कोहरा अब खाली ऊपर ही ऊपर है और बारिश लगातार चालू है आज। हालांकि एक वीआईपी मूवमेंट भी था लेकिन वो वीआईपी मूवमेंट अभी अब कैंसिल हो गया है तेज बारिश के कारण। सीएम साहब का यहाँ पे को आने का प्रोग्राम था तो उस कारण भी थोड़ी पुलिस कर्मियों की चहलकदमी थी, लेकिन अभी अब सारी चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं। और ये आप देख सकते हो, ये देखिए उसी जगह पर फिर क्या शानदार नज़ारा, तेज़ बारिश और तेज़ बारिश के बीच में कश्तियाँ अपनी जगहों पर किन नौकाएँ किनारे पर खड़ी हैं, जेटी के पास में बांध रखी हैं और मौसम में बिल्कुल ठंडक ज़बरदस्त वाली आ गई है। बस तो मौसम में ऐसी ठंडक आ रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ गिरने वाली हो, बिल्कुल वही मौसम हो गया, बर्फ़ गिरने का जैसा मौसम। और हम अब वापसी घर को जा रहे हैं, वापसी में मैं आप इस समय घर को चले जाता हूँ, फिर एक घंटे बाद दोबारा से वापसी आता हूँ। तो ये रिक्शों की लाइन में लोग देखिए, रिक्शे वाले भी नैनीताल के बड़े हिम्मती होते हैं, हमेशा इतनी बारिश में भी हाथ में छाता पकड़ करके वो रिक्शा पुलिंग करते हैं। दाद देनी पड़ेगी क्योंकि जिस हिसाब से ठंडक है वो तो ज़बरदस्त लग रही है। तो आज एक और ख़ास दिवस है, वर्ल्ड स्पैरो डे है और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है। तो आज स्पैरोज़ यानी गुरैयाओं का दिन है, गुरैयाओं को आप संभाल के रखें, सुरक्षित रखें, प्रकृति के संवर्धन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। हमने तो अपने घर में गुरैयाओं को दे रखी है जगह, आप भी अपने घरों में घोंसला बना के रखें। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं पर अंत करते हैं। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।